इस वीडियो के बाद आपको पता चलेगा सैंटिनो के डार्क सीक्रेट्स। क्या आपको पता है सीएस में आने वाला ड्रैगन कभी नहीं मरता। इस अजूबे ट्रिक का यूज करके आप गाड़ी के ऊपर ग्लूवल को लगा सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, आज हम देखने वाले हमारे साथ हुआ सबसे बड़ा स्कैम। और क्या आपको पता है मरने के बाद भी होमर का यूज करके उससे बेनिफिट लिया जा सकता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज, आप सब देख रहे हो शैडो शूटर। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेनिंग ग्राउंड पे फाइट टेलीपोर्ट जोन पे जाओ, जाने से पहले सेंटिनो यूज कर लेना। फाइट जोन पे जाने के बाद सेंटिनो यूज करो और देखो मैजिक। चलो इस मैजिक को एक बार अप्लाई करते हैं। आज अपन टोटल टाइम वेस्ट नहीं करने वाले, तो चलो पटाक से मैं आज का हूं ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर। यहां पर मेरे पास है सेंटिनो। सेंटिनो का एबिलिटी को यूज करने के बाद मुझे जाना है फाइट जोन पे। अब मैं आ चुका हूं टेलीपोर्टेशन जोन के अंदर और इस वाले जगह पे देखो मैं आ चुका हूं फाइट जोन के अंदर। पर एक सेकंड, फाइट जोन के अंदर आने के बाद मेरा सेंटिनो देख सकते हो यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा है। वो ऐसा शो कर रहा है जैसे कि वो यूज हो चुका है और मैं उसको अभी यूज नहीं कर सकता और मैं बैक भी नहीं जा पा रहा हूँ। रुको, इसको ना एक और बार ट्राई करते हैं। इस वाले जगह पे देखो मैंने फिर से एक और बार सेंटिनो को यूज करा और अब मैं जाने वाला हूँ फिर से एक और बार टेलीपोर्टेशन जोन के अंदर। अरे ये क्या, एक बार टेलीपोर्ट होने के बाद सेंटिनो का एबिलिटी खत्म हो जाता है, वहां पर से अपन बैक नहीं आ सकते। एंड हाँ, बात तो तुम्हारा बिल्कुल भी सच नहीं है, एंड हेंस द मिथ इज बस्टेड। अगर आप सीएस के विक्ट्री के टाइम पे बोनफायर यूज करते हो तो अगले राउंड पे 20 ईपी मिलेगा। 1% पीपल नो, ये चीज तो ट्राई करना पड़ेगा। ये वाला जगह पे मैं आ चुका हूं सीएस मैच के अंदर और यहां पे अगर ध्यान से देखो तो यहां पे सिर्फ एक बंदा बचा था और वो भी खत्म हो गया। रुको, मुझे यूज करना है अभी बोनफायर, क्योंकि मैं यूज कर लिया। देखो यहां पे मेरा ईपी बढ़ रहा है और रुको, वो तो पिछले राउंड में बढ़ रहा था पर इस वाले राउंड के स्टार्टिंग से भी मेरे पास 20 ईपी थे। तो हाँ यार, बात तुम्हारा सॉर्ट का सच है। वैसे अगर मैं आपको अभी एक चीज दिखाने जाऊं तो आपको उस चीज पे भरोसा ही नहीं होगा, क्योंकि अपन ने अभी देखा कि अपने को एक्स्ट्रा 20 ईपी मिले। पर देखो इस वाले जगह पे अपना मैच फिर से एक और बार बुआ हो चुका है और यहाँ पर मैं फिर से एक और बार बोनफायर यूज कर रहा हूँ। देखो मेरे पास ना ईपी आना स्टार्ट हो गया और दूसरा राउंड जब स्टार्ट होता है यहाँ पे मेरे पास एक भी ईपी एक्स्ट्रा नहीं आता। तो मुझे नहीं पता एक्चुअली कैसे पहले बार मेरे साथ हुआ, पर उसके बाद जब मैंने ट्राई करा तो मेरे साथ नहीं हुआ। पर हाँ, मुझे पता है इसमें कोई ना कोई एक ग्लिच है और ये कभी कभार होता भी है। तो हाँ यार, बात तुम्हारा सॉर्ट का सच है, हेंस द मिथ इज कंफर्म्ड। ऑक को ट्रेनिंग बॉट्स पे यूज करके अपग्रेड कर सकते हैं, ये तो देखना पड़ेगा। ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर मैं आ चुका हूं और मुझे लेना है सिर्फ एक ही गन जो कि है ऑग, क्योंकि इसको अपने को चिप लगा के अपग्रेड नहीं करना होता। यहां पे बस किसी को फायर करो और ये अपने आप ही अपग्रेड होने लग जाते हैं। अरे रुको, पर ये क्या, अगर आप ध्यान से देखो तो मैं यहां पे सिर्फ बॉट को ही मार रहा हूं और मेरा गन 3 लेवल तक अपग्रेड हो गया। वाह यार वाह, बात तुम्हारा सॉर्ट का सच है, मुझे बंदे मारने नहीं पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ बॉट्स मार के मैं अपना काम तमाम कर सकता हूं। एंड हेंस द मिथ इज कंफर्म्ड। अभी मैं आपको एक ऐसा चीज दिखाने वाला हूँ जो गेम पे अभी तक आया तक नहीं, स्क्रीमिंग चिकी XM8, स्क्रीमिंग चिकी लूट बॉक्स और स्क्रीमिंग चिकी ग्रेनेड। ये तीनों अपकमिंग आइटम है और ये 12 मई को गेम के अंदर इंट्रोड्यूस होने वाला है और एक चिकी रॉयल के अंदर आपको देखने मिलने वाला है और एक ग्रैंड प्राइज मिलने के चांसेस अब दुगने हो गए हैं, क्योंकि अभी सिर्फ 50 स्पिन पे अपने को ग्रैंड प्राइज मिलने वाला है। तो मुझे बताना इन तीनों चीजों में से आपको सबसे स्पेशल कौन सा लगा। एम्परर सिरिंग पे जो कार और ग्लूअल है उनको एक साथ टच करो, जूम करो, देखना डबल दिखेगा। अच्छा चलो अभी करते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। गेम पे आके मैं भी आ चुका हूँ एम्परर रिंग्स के अंदर और यहाँ पर मुझे एक्सचेंज सेक्शन में बहुत सारे आइटम्स दिखाई दे रहे हैं, पर मैं पूरा का पूरा फोकस्ड हूँ, मुझे सिर्फ ग्लू ऑल और ये कार से लेन देन है। अगर ध्यान से देखो तो मुझे जैसा भैया ने बोला उस हिसाब से मुझे कार पे जूम और टैप करते रहना है और ये कहीं डबल हो जाएगा। चलो टैप कर ही लेते हैं। ओए इतने जल्दी हो जाएगा ये नहीं सोचा था। मैं कार पे दबाया और जूम वाले बटन पे दबाया और मेरा कार डबल डबल हो गया। वाह यार, अब मुझे कुछ तगड़म चीज करना है। ओए ये क्या हुआ, मैं ग्लू वॉल के ऊपर अपना नॉर्मल रखा और कार को जब जूम के साथ दबाया तो इकड़म पिकड़म तिकड़म हो गया। रुको, अब मैं उल्टा चीज करने वाला हूँ, मैं बैक एंड पे कार को रखने वाला हूँ और भाई साहब ये क्या हुआ, यहां पर देखो कार के ऊपर ग्लूअल लग गया। अगर आप कार को बैक साइड में पकड़ो और ग्लूअल को दबा के जूम करो एक साथ तो ग्लूअल और कार कुछ इस तरीके से देखने मिलेंगे। वैसे आप इस चीज को समझ पाए तो गेम के अंदर एक बार जाकर ट्राई करना और मुझे बताना कि आपका ये चीज हुआ या फिर नहीं। एंड हेंस द मिथ इज कंफर्म्ड। थ्रो रिमोट यूज करके बोनफायर अलग डायरेक्शन पे यूज करना, देखना थ्रोन घूमने लगेगा। अच्छा
चलो देखते हैं। इस मैच के अंदर हम चारों आए हैं और सबने लिया है अपने साथ बोनफायर और हम अभी वही ट्रिक अप्लाई करने वाले हैं। चलो पहले मेरे को यूज करना है थ्रोन इमोट और उसके बाद मुझे यूज करना है बोनफायर। अरे मैं उसे यूज तो करा पर मेरा थ्रोन कहीं पे घुमा नहीं। मैं चलो इसको एक और बार यहाँ पे ट्राई करता हूँ, थ्रोन इमोट और एक बोनफायर। नहीं यार यहाँ भी मेरे साथ कुछ वैसा इकडम तिकडम नहीं हो रहा है। ओए ये क्या, मेरा दोस्त का कुछ तो यहाँ पे लफड़ा हुआ। मैं देख पा रहा हूँ कि उसका थ्रोन भी उसके साथ मूव करने लगा एक बार लगने के बाद भी। चलो इसको ना एक और बार जाके कस्टम में ट्राई करते हैं। ये मेरा लास्ट बारी होने वाला है, मैं थ्रोन यूज करा और मुझे अभी यूज करना है बोनफायर यूज करते। भाई साहब ये क्या हुआ, मेरा जो थ्रोन था वो सामने वाले डायरेक्शन पे था बट मैं बैक साइड को बोनफायर लगाया और मेरा थ्रोन का डायरेक्शन ही चेंज हो गया। क्या बात है, इसको ना एक और बार चलो ट्राई करते हैं। यहां पर थ्रोन यूज करा। ओए ये मुझे लगता है ये हर बारी नहीं होता पर कभी कभार हो जाता है। पर हाँ बात तुम्हारा स्वॉर्ड का सच है एंड हेंस द मिथ इज कंफर्म्ड। सीएस पे ड्रैगन कभी नहीं मरता, 1% पीपल नो। अच्छा मुझे लगता है मैं आज तक ड्रैगन को मारता आ रहा हूँ, पर अगर ऐसा नहीं है तो चलो देख ही लेते हैं। ये रहा अपना सीएस का मैच और इस वाली जगह पे अपने सामने वो ड्रैगन उड़ रहा है और मेरे दोस्त सभी के सभी उस ड्रैगन को मार रहे हैं। ओए हाँ यार बात तुम्हारा एकदम 101% सच है, ड्रैगन को मारने के बाद ड्रैगन मरा नहीं बल्कि एक और डायमेंशन में वो गायब हो जाता है। मैं इसको एक और बार ट्राई करने वाला हूँ। यहाँ पर देखो मैं थोड़ा थोड़ा करके उसको डैमेज दे रहा हूँ, ये आधा से ज्यादा डैमेज हो चुका है और शायद एक ही गोली खाएगा। ओए देखो ड्रैगन मरने वाला है और ये वो फिर से मरा नहीं बल्कि एक और डायमेंशन में चला गया। हाँ यार ड्रैगन मरता नहीं है, वो चला जाता है, गायब हो जाता है एंड हेंस द मिथ इज कंफर्म्ड। Emperor's Treasure Hunt और Reindeer Float Emote almost same है। ये तो घपला होने वाला है भाई। चलो इस वाले जगह पे मैं आ चुका हूँ कस्टम मैच के अंदर और एक बार अपन इधर ट्रेजर हंट इमोट को यूज कर लेते हैं। और ध्यान से देखो इस वाले इमोट को मैं सिर्फ अरे वेट, इस तरीके का इमोट एक और भी है Reindeer। भाई साहब ये वाला जो इमोट है ये जैसा है रेंडियर वाला इमोट भी बिल्कुल बोल सकते हो वैसा ही है, बस इसका डिजाइन अलग है। बट यार इसको भी भागते हुए यूज कर सकते हैं और रेंडियर वाले को भी यूज करते भागते यूज कर सकते हैं। और हाँ बात तुम्हारा सौ टका सच है एंड हेंस द मिथ इज कंफर्म्ड। रैंक रिवॉर्ड एंड बुया पास रिवॉर्ड पे गन थीम स्टाइल ऑलमोस्ट सेम है, तो एक बार तो चेकआउट करना बनता है। जहां पर मैं थीम गन सेक्शन पे जहां पे रैंक रिवॉर्ड मिलता है उस सेक्शन पे मैं आ चुका हूं और यहां पर देख सकते हो एक चीज, सीजन 39 पे अपने को VSK-94 गन का एक एक्सक्लूसिव, वैसे गन पावरफुल तो है और बुया पास में मैं आ चुका हूं। और यहां पर एक चीज अगर ध्यान से देखो तो यहां पर भी वही VSK-94 गन है, इसके एट्रीब्यूट्स डिफरेंट है और ये लेजेंडरी गन है। हाँ यार बात तुम्हारा 100% सच नहीं है, देखो क्योंकि दोनों गन दिखने में सेम तरीके के हो सकते हैं पर दोनों के एट्रीब्यूट्स अलग हैं और एक लेजेंडरी है एंड एक थीम्ड गन है, बट हाँ काफी हद तक दोनों गन सेम है एंड हेंस द मिथ इज कंफर्म्ड। पिछले बुया पास पे जो फ्रॉग थीम था उसको मार के बंडल पे लटका दिया है। कौन से बंडल पे, वेट ए सेकंड, एक बार मैं जब अपने दोस्त के शर्ट को देखता हूँ तो मुझे पता लग ही जाता है कि कौन से बंडल पे। यहाँ पर पिछले सीजन पे जो अपना बुया पास आया था उसमें जो लेजेंडरी बंडल मिला था अपने को, उस बंडल का टॉप जो है वो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर देख सकते हो मैं आ चुका अपने वॉल सेक्शन पे और इस वाले जगह पे मुझे मिल चुका है वो टॉप। और यहाँ ध्यान से देखोगे तो एक बीच में मेंढक लटका हुआ दिख रहा है, वैसे ये मरा नहीं है, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे झूल रहा है मजे में। आपको क्या लग रहा है मुझे नीचे कमेंट बताना। और हाँ इसमें एक और एक्सक्लूसिव चीज भी है, मेंढक अगर बंडल आप पहनते हो उसका टॉप पहनते हो तो ऊपर से आपके ऊपर बारिश होना स्टार्ट हो जाता है और मुझे लगता है ये मेंढक वाला थीम है इसलिए ऐसा सीन है। आपको क्या लगता है नीचे मुझे कमेंट बताना है। हेंस द मिथ इज कंफर्म्ड। मैक्सिमम ऑफ द टाइम स्कार 3 मिलता है ग्रीव लैब के बिल्कुल सेंटर पे। अच्छा ऐसा होता है तो चलो एक बार ट्राई कर ही लेते हैं। वैसे पिछली बार मैं इंटेलेक्ट सेंटर पे गया था और वहां पे मुझे M4A1-3 मिला था, तो क्या ये वाला टोटका काम करता है। चलो अब देखो मैं अभी आसमान पे हूँ और मैं जा रहा हूँ ग्रेब लैब्स पे। वैसे ये सोलो का मैच है, मुझे नहीं पता इस वाले मैच पे वो चीज हो रहा होगा कि नहीं, पर नीचे रुको मुझे एक लेवल 3 का गन दिखाई देखने मिल रहा है और भाई साहब ये स्कार 3 है। ओ माय गॉड मुझे लगता है हाँ यार इस बात में दम तो है, इस वाले जगह के बिल्कुल सेंटर पे मुझे स्कार 3 मिला, इंटेलेक्ट सेंटर पे मुझे मिला था M4A1-3। क्या आपको इसके ऊपर कोई शक है नीचे मुझे कमेंट में बताना अगर हाँ ना तो, पर हाँ मुझे लगता है बात तो एकदम 101% सच है एंड हेंस द मिथ इज कंफर्म्ड।
स्टेप वन वेंडिंग मशीन पे जाओ, स्टेप टू आपके पास टोकन नहीं होने चाहिए, स्टेप थ्री अब कोई चीज को बार बार परचेज करो, हर चीज में अलग अलग साउंड आएगा। क्या बात कर रहे हो, अगर ऐसा है तो चलो ट्राई करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे पास अभी 700 कॉइन है और पहले मैं उससे चीज खरीदने वाला हूँ। मेरे पास अभी बिल्कुल भी कॉइन नहीं है, मैं फ्री के तीनों चीजें भी खरीद चुका हूँ और मैं अभी मुफ्त में चीजें खरीदने का ट्राई कर रहा हूँ। और यहाँ भी क्या कुछ आवाज आता है, नहीं यार मुझे लगता है सारे के सारे आवाज नॉर्मल ही है, जो नॉर्मल अगर कोई खरीदता है तो बिल्कुल जैसा आवाज आता है बिल्कुल वैसा ही आवाज है। बट मेरे पास पैसे नहीं है तो इसका आवाज थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, बट अलग अलग नहीं हुआ है, एंड हिंस द मिथ इज बस्टेड। स्टेप वन होमर कैरेक्टर लो, स्टेप टू लोन वुल्फ स्टार्ट करो, स्टेप थ्री एनिमी को किल करके एबिलिटी यूज करो। चलो देखते हैं इस वाले जगह पे। देखो मैं अपने साथ कैरेक्टर के एबिलिटी को चेंज करने वाला हूँ। मेरे पास अभी है के कैरेक्टर और मुझे इसको करना है होमर, मैंने ले लिया होमर। अब चलते हैं लोन वुल्फ के अंदर, मेरे सामने एक एनिमी है बट मैं अभी एबिलिटी यूज नहीं करूंगा, उसको पहले मारूंगा और उसके बाद एबिलिटी यूज करूंगा। देखो वो मेरे बिल्कुल सामने ही है और ये ले काम तमाम सामने वाले का। और यहाँ पे मैंने अभी यूज कर लिया होमर कैरेक्टर एबिलिटी, ये वैसे बंदे के ऊपर नहीं जा रहा है तो मेरा कैरेक्टर एबिलिटी पूरा का पूरा वेस्ट नहीं हुआ है। ये एक राउंड खत्म होने के बाद अगर आपने ध्यान से देखा तो मेरा एबिलिटी उड़ के गया और उसके जोन के अंदर ही उसे डैमेज दे दिया। क्या बात यार, मैं इसको एक और बार ट्राई करूँ। और सामने देखो बंदा है और मैंने उसका खात्मा कर दिया और मैं अभी फिर से एक और बार होमर यूज करने वाला हूँ। चलो इस बार ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हुआ और मेरा होमर गया सामने वाले बंदे के ऊपर जाके ब्लास्ट हो जाता है। क्या बात है भाई, बट मुझे पता है कि ये यूजलेस है कम्प्लीटली, क्योंकि जोन के अंदर किसी भी बंदे को बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ता है और मुझे दिखाई भी नहीं जाएगा कि कोई भी तरीके का डैमेज सामने वाले बंदे को पड़ा। आपको क्या लगता है नीचे मुझे कमेंट बताना। एंड हाँ, बात तो तुम्हारा सॉर्ट का सच है, इसमें थोड़ा मैजिक तो देखने मिलता है, एंड हेंस द मिथ इज कंफर्म्ड। एंड यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होपफुली आपको आज का वीडियो मजा आएगा। इफ यू हैज इंप्रेस दैट लाइक बटन, चैनल में नया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल प्रेस करो। मैं मिलता हूं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।